सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि टेस्ट में जो सिलेबस आने वाला है उसका मैं पूरा बताती हूँ कि क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पी ब्लॉक, डी एंड डेप ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रोटेशन मोशन, एसी और ईएमवेव, ठीक है। और ये 13 अक्टूबर को आने वाला है और आज है 5 अक्टूबर और 9 दिन बचे हुए हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में मेरा क्या क्या हो चुका है। मेरा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हुआ है एंड माइक्रोब्स और ह्यूमन हेल्थ जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा सच में कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह सब कुछ मेरे को पढ़ना है, ठीक है। तो आज एसी कंप्लीट कर लेंगे, बाकी ईएम वेव्स को देखते हैं कल या परसों में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है और मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा, ठीक। सो आज का बनाते हैं टू डू लिस्ट। आज के टू डू लिस्ट में मेरा बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, होप सो। आज ये जो हमने टारगेट बनाया है आज हम अपना पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अभी आप स्लॉट देख लो, यहाँ पे मैंने 3-3 घंटे के स्लॉट रखे हैं और जो अभी टाइम हो रहा है वो 9 बज गए हैं एंड आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बायोलॉजी, ठीक है। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को कंप्लीट करना, देन देखते हैं क्या करेंगे। फाइनली मेरा ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। सो इसे करते करते ना मेरे को ह्यूमन हेल्थ वाला करते करते 10 बज गए थे और ये चैप्टर तो चुन्नू सा आया है, बहुत कम वक्त लगेगा। तो इसे कंप्लीट कर लिया था मैंने 30 मिनट के समथिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो कैमरा है उस ब्लर हो गया था, आई डोंट नो कैसे हो गया, बट फिर भी मैंने अपलोड कर दिया ये वीडियो। सो कोई ना, अब स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर। और ये मैं मॉड्यूल से ही करूँगी क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिख रखा है लेक्चर के साथ साथ, मैंने नोट्स बनाए नहीं थे तो मैंने सोचा कि वही यहीं से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, यानी कि बायोलॉजी पोर्शन तो मेरा कंप्लीट हो गया है 10:40 तक तो हो गया था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं इस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज़ करते हैं, फिर बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है यार हमें, ठीक है। तो आज इसे कंप्लीट करने का पूरा मैंने ठान लिया था, तो फिर इसे कंप्लीट किया। मतलब ऑब्वियसली यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो उतना तो नहीं हुआ है, बट मैंने मैक्सिमम ख़त्म करने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस को लिख लिया और फिर सारे क्वेश्चंस को अटेंड किया। कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, बट हाँ अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने लग जाते, तो मेरे साथ यही था। ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो ये कंप्लीट कर लिया और 1:15 तक ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेंड कर लिया। और यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब ये तो हो गया है, अब देखें क्या करना है। कोऑर्डिनेशन हाफ हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली और यार एनसीईआरटी मैं भूल गई, तो फिर इसे तो नहीं पढ़ सकते, तो इसे घर पे ही कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिजिक्स चैप्टर, दैट इज़ एसी वाला। एंड एसी बहुत आसान है सीरियसली, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे ना तो एसी में ऐसा सच कुछ है नहीं, तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 1:15 के समथिंग, पहले मैंने सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया और फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो चलो अब कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और मैंने 1:15 से स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब एसी वाले चैप्टर को रिवाइज़ करना, वो भी सिर्फ नोट्स से, तब मेरे को 4 बज गए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचा हुआ था टाइम, तो फिर मैंने सोचा कि एसी के सारे क्वेश्चंस लगा लेते एक्सरसाइज फर्स्ट के, ठीक है। तो फिर वो करते करते यार मेरे को 6:30 बज गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को, बट कोई नहीं, यहाँ पे एसी फुल हो गई, एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड सारी कंप्लीट हो चुके, टाइम लग गया बट कोई नहीं। 9 से 12 हमारा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हुआ, 12 से 3 सेकेंड, और अब 13 मिनट बचा हुआ है, तो इसे भी मैंने मान लिया कि स्लॉट थर्ड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ हमारे 3 स्लॉट कंप्लीट हो गए हैं और मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं यूवीटीएस दे देते हैं,
तो यहीं पे मैं बायोटेक का जो UVDS है उसे देने जा रही हूँ, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को लिख लिया है पहले ही, क्योंकि OMR नहीं है मेरे पास अभी, मैंने परचेज नहीं कर पाई है। तो उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन को अटेंड किया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 8 बजे गए थे, फिर मैंने सब पे टिक लगाया, और फिर बताऊँ मैं कहाँ गई, मैं गई थी मॉल, कुछ कुछ सामान लेना था मेरे को। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे सारे स्लॉट कंप्लीट हो गए, 11 घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस 1 घंटा बचा हुआ है, वो मैं घर पे कंप्लीट कर लूँगी, ठीक। फिर उसके बाद मॉल से मैंने ये बोतल ली, कुछ कुछ ड्रेसेस चेक की थी, क्योंकि बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, 5,000 सब्सक्राइबर करवाने हैं। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।